मध्य प्रदेश के छतरपुर के बक्सवाहा में इन दिनों सेव बक्सवाहा नाम का कैंपेन तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल बक्सवाहा में डायमंड माइनिंग के लिए 2.5 लाख पेड़ काटे जाने वाले हैं। बक्सवाहा के बंदर डायमंड माइंस में ये खुदाई की जाने वाली है, जिसके बाद 2.5 लाख पेड़ काटे जाने वाले हैं, जिसका लोग जमकर विरोध कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर सेव बक्सवाहा कैंपेन भी चलाया हुआ है। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि बंदर डायमंड माइंस में भूवैज्ञानिकों के मुताबिक तकरीबन 3.5 करोड़ कैरेट हीरा मौजूद है। ये पन्ना से 15 गुना ज़्यादा है, लेकिन इसकी कीमत है 2.5 लाख पेड़। अगर आप बंदर डायमंड माइनिंग्स के इतिहास को जानना चाहते हैं तो आपको 2 दशक पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल साल 2000 में रियो टिंटो नाम की एक कंपनी ने यहाँ हीरा खुदाई के लिए आवेदन किया था। उन्हें अनुमति भी दे दी गई थी, लेकिन साल 2012 में उन्होंने 954 हेक्टेयर ज़मीन के लिए आवेदन किया, जिसके बाद वहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने इसका काफ़ी विरोध किया था, क्योंकि उसके लिए तो तकरीबन 5 लाख पेड़ काटे जाते। इससे जो पूरा क्लाइमेटिक सिचुएशन था वहाँ, वो ख़राब हो जाता। जिसके बाद 2017 में रियो टिंटो ने इस हीरा खुदाई से अपना नाम पीछे ले लिया और कंपनी ने टेंडर वापस कर दिया। लेकिन साल 2019 में कमलनाथ की सरकार में आदित्य बिरला ग्रुप ने 50 साल के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इस कॉन्ट्रैक्ट को ले लिया। वहीं इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के बाद आदित्य बिरला ग्रुप सरकार को 4 गुना ज़्यादा राजस्व दे रही है। यहाँ आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि एक ओर जहाँ लोग इसका विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन अब तक कंपनी ने और राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से इसकी अनुमति नहीं ली है, क्योंकि कहीं भी 40 हेक्टेयर से ज़्यादा अगर खुदाई की जाती है तो उसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होती है, लेकिन अब तक इस मामले में किसी तरह की कोई अनुमति नहीं ली गई है। साथ ही आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि बक्सवाहा के जो स्थानीय लोग हैं वो ज़्यादातर आदिवासी हैं। उनका जो जंगल है, उनका जीवन यापन जो है, वो इन पेड़ों पर निर्भर करता है। तो अगर ये पेड़ काट दिए जाते हैं तो बक्सवाहा के वो लोग ना केवल बेघर होंगे, बल्कि उनकी जो पहचान है, क्योंकि वो आदिवासी है, उनसे वो भी छिन जाएगा। यहाँ ये भी जानना ज़रूरी है कि बुंदेलखंड और बक्सवाहा का जो ये इलाका है, ये सूखा इलाका है, यहाँ बारिश बहुत कम होती है। ऐसे में अगर 2.5 लाख पेड़ काट दिए जाते हैं तो बारिश की कमी और हो जाएगी और ये इलाका है और सूखा हो जाएगा। ऐसे में लोग जहाँ इसका विरोध तो कर रहे हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेती है ये अभी हमें नहीं पता। लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि अगर पेड़ काटे जाते हैं तो वो बेघर होंगे, उनकी पहचान खो जाएगी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि राज्य सरकार तो इस मामले में चुप है ही, क्योंकि उन्हें 4 गुना ज़्यादा राजस्व मिल रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने भी अब तक इस मामले में किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। और अगर ये 2.5 लाख पेड़ काट दिए जाते हैं तो ना सिर्फ बक्सवाहा की और देश की क्लाइमेटिक सिचुएशन ख़राब होगी, बल्कि तमाम ऐसे लोग हैं जो अपनी पहचान खो देंगे और बेघर हो जाएंगे।